आज हम मूंग की दाल की रेफी बनाने जा रहे हैं। इसको हमने एक कटोरी मूंग की दाल ली है, उसको हमने 4-5 घंटे पानी में भिगो दिया और फिर उसको हमने मिक्सी में पीस लिया है। 2 हरी मिर्ची डालकर उसका ये बैटर तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ा हल्दी पाउडर, डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें धनिया डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा फ्रूट सॉल्ट डालेंगे, मैंने खाने का सोडा, हम उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है। हम अप्पे के स्टैंड में थोड़ा थोड़ा तेल सब में डाल देंगे। हमने सभी खंड में तेल डाल दिया थोड़ा थोड़ा सा। अब इसमें हम धनिया की पत्ती डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे। इसी तरह हमने सारा बैटर इसमें डाल दिया। अब हम इसको 2-3 मिनट तक पकने के लिए रखेंगे। अब हम इसको तेल डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा, सब पे थोड़ा थोड़ा तेल लगा लेंगे। इसको हमने मीडियम आंच पे 2-3 मिनट तक पका लिया है, ये अच्छे से फूल गई है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और कम तेल में और जल्दी भी बन जाती है। अब हम इसको पलटेंगे। इसी तरह हम सारी रेफी पलट देंगे। अब हम इसको 2-3 मिनट तक वापस पकने देंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छी पक जाए। 2 मिनट हो गए, अब हम खोल के देखेंगे अब क्या हुए कि नहीं हुए। ये दोनों तरफ से अच्छे फूल गए तो हल्का सा यहाँ से कच्चा लग रहा है, इसलिए हमको 1 मिनट और पकाना पड़ेगा इसको मीडियम आंच पे। हो गया है, अब हम इसको देखेंगे वापस। ये अब अच्छे से पक गए, दोनों साइड से अच्छे से फूल गए। अब हम इसको गैस बंद करेंगे और हम इसको ले लेंगे। हमने गैस बंद कर दिया, अब हम इसको निकाल लेते हैं। अगर आपकी मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।